रक्षाबंधन आ रहा है मेरी बहन, मुझसे वही मांगना जो मैं तुझे दे सकूं, क्योंकि तेरा भाई अभी गरीब है। ये बंधन दिलों के बंधन, ये रक्षा। तो मेरे प्यारे से दोस्तों, आपने स्क्रीन में फोटो देख के लिया होगा, आज आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ रक्षाबंधन का कुछ ही टाइप का फोटो। तो देख सकते हो फोटो कितना कमाल का लग रहा है। और वीडियो शुरू करने से पहले सभी मेरे प्यारे से भाई बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और रक्षाबंधन आने वाला है, तो सभी भाई और बहन को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो स्क्रीन में देख ही पा रहे हो, आज आपको मैं सिखाऊंगा कुछ ही टाइप का रक्षाबंधन वाला फोटो बनाना सिखाऊंगा। तो जिस भाई को ऐसा एडिटिंग करना है, तो यार प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, ताकि यार आप भी अपने फोटो को इस तरह से अपनी बहना के साथ आप बना सके। मैं आपको सारा चीज बताऊंगा इस वीडियो में। और वीडियो शुरू करने से पहले, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो पास में घंटे में उसको कर देना ऑल में, ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो कर लेते हैं यार वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। तो एप्लीकेशन का नाम है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन, जो कि आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने इस एप्लीकेशन को ओपन कर लिया, और अपना जो डेटा है उसको आपको ऑन ही रखना होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आप एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो नीचे प्लस वाला आइकन में क्लिक कर देना होगा। प्लस वाला आइकन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा है एड ए फोटो, इसमें आपको क्लिक कर, इसमें क्लिक करने के बाद आपके सामने गैलरी ओपन हो जाएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बैकग्राउंड की लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सभी पीएनजी एंड बैकग्राउंड आपको मिल जाएंगे। मैं आपको सारा चीज़ बता दूंगा वीडियो में, ठीक है। तो बैकग्राउंड को मैं पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया। बैकग्राउंड आप जैसे सेलेक्ट करोगे ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से क्रॉप वाला आइकन में क्लिक कर देना होगा, और आपको यहाँ पर रिसाइज में क्लिक कर लेना होगा। और रिसाइज में क्लिक करने के बाद यहाँ पर 8:19, तो इसमें क्लिक करके यहाँ से एक नंबर और डायल कर देना, और यहाँ से आपको रिसाइज में क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा, देखते हो 30, यहाँ पर लिखा है 30, 9, 8, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ 30, 9, 8, ठीक है। और यहाँ से मैं रिसाइज में क्लिक कर लेता हूँ। तो इससे क्या होता है, हम जब भी फोटो को डाउनलोड करते हैं तो हमारा फोटो फुल एच डी में डाउनलोड होता है। बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, यहाँ पर नहीं जाते हैं और फोटो को डाउनलोड करते हैं, तो वहाँ पर फोटो की क्वालिटी बहुत ही लो हो जाती है। तो इस बात का आप ध्यान रखना। तो स्क्रॉल करके इधर आ जाना होगा, और आपको ऐड फोटो में क्लिक कर देना होगा। ऐड फोटो में क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो बाकी पीएनजी रहेंगे उसको मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप का पीएनजी, इसको आपको यहाँ पर लगा लेना होगा, ऊपर की तरफ देखते हो ऐसे आपको लगा लेना होगा अच्छी तरीके से, ठीक है। लगाने के बाद आपको राइट में क्लिक कर देना होगा। राइट में क्लिक करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे ऐड फोटो में क्लिक कर देना होगा, और अपने फोटो को आपको ऐड कर लेना होगा, ठीक है। और सुनो, अपने फोटो को आपको क्रॉप करके रखना है, क्योंकि अगर आप क्रॉप नहीं करोगे ना, तो यहाँ पर ऑप्शन भी है, क्रॉप कर सकते हो। यहाँ पर कटआउट वाला ऑप्शन है, कैंची वाला, इसमें आप जैसे क्लिक करोगे ना, तो हमारा फोटो है ना जो क्रॉप हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बैकग्राउंड को ऐड कर लेता हूँ ऐड फोटो में जाके। तो मैं ऐड फोटो में जाके फोटो को ऐड कर लेता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने फोटो ले लिया, और देखते हो कुछ ही टाइप का फोटो था मेरा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, क्रॉप वाला आइकन में जाता हूँ। तो फोटो रूम एप्लीकेशन के अंदर इसके बैकग्राउंड को रिमूव किया था, तो यहाँ पर फोटो रूम एप्लीकेशन का लोगो आ गया। तो मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, और यहाँ से राइट कर लेता हूँ, देखते हो, ठीक है। तो इसको ऐसे बड़ा कर लेना होगा आपको, ठीक है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फिर से हेडफोन में जाना होगा, और फिर से आपको एक पीएनजी और मिल जाएगा, ठीक है। तो फाइनली मैंने ले लिया गाइस, और इसको आपको अच्छी तरीके से लगा लेना होगा। यहाँ पर देखते हो ऐसे आपको परफेक्ट सेट कर लेना होगा, देखते हो ऐसे आपको रख लेना होगा अच्छी तरीके से, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से फिर से आपको ऐड फोटो में चले जाना होगा दोस्तों, ठीक है। फिर से आपको ऐड फोटो में चले जाना होगा, यहाँ से मैं ऐड फोटो में चले जाता हूँ, ठीक है। ऐड फोटो में जाने के बाद पीएनजी को ले लेता हूँ फिर से। तो इस पीएनजी को आपको यहाँ पर लगा लेना होगा, अच्छी तरीके सेट कर लेना होगा, देखते हो, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट कर लेना होगा आपको, अच्छी तरीके से इसको बड़ा कर लेना होगा। और क्या करना पड़ेगा, यहाँ से फाइनली राइट में क्लिक कर देना होगा, ठीक है। राइट में क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस फोटो को यहाँ से कर लेना डाउनलोड, ठीक है। अभी हमारा फोटो एडिटिंग नहीं हुआ, यहाँ से फोटो को कर लेना डाउनलोड। डाउनलोड हो जाने के बाद आपको डायरेक्ट गैलरी में जाना है। गैलरी में आने के बाद हमारा फोटो यहाँ पर आ चुका है, देखते हो। फोटो आ जाने के बाद नीचे आपको सेंड ऑल आइकन में क्लिक कर देना होगा, और सेंड ऑल आइकन में क्लिक करने के बाद फोटो को आपको सेंड कर देना होगा स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। फाइनली दोस्तों, यहाँ पर हमारा फोटो आ चुका है स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर। इसके अंदर आ जाने के बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखते हो हमारे जो पेज है इसको स्मूथ करेंगे। पेज को स्मूथ करने के लिए आपको यहाँ पर चले जाना होगा। यहाँ पर आप जैसे जाओगे ना, तो आपको लाइब्रेरी में क्लिक कर देना होगा, और अभी लाइब्रेरी ओपन है।
तो दोस्तों आपके सामने इस टाइप के ब्रश देखने मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको इस वाले ब्रश में क्लिक कर देना होगा, सात नंबर वाला ब्रश में। ब्रश में क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग में क्लिक कर देना होगा। सेटिंग में क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख ही सकते हो सेटिंग कुछ इस टाइप से आपको रखना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ, और इस तरह से आपको फेस के ऊपर ब्रश को अप्लाई कर लेना होगा। देखते हो ध्यान से, ठीक है। तो देख सकते हो इस टाइप से आपको कर लेना होगा। अगर आपका फोटो HD नहीं हो रहा तो मैं आपसे एक ही बात बोलूँगा कि रिमिनी एप्लीकेशन के अंदर ले जाके अपने फोटो का आप HD बना लेना, ताकि हमारा फोटो में बहुत ज़्यादा क्वालिटी आ जाए, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखना, अगर आपका फोटो HD नहीं है ना, अगर आपके पास फ़ोन का फोटो है ना, तो उसको HD करने के लिए आपको रिमिनी एप्लीकेशन के अंदर ले जाके फुल HD कर लेना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो कॉमेंट में बताना कि रिमिनी एप्लीकेशन के अंदर फोटो को कैसे फुल HD किया जाता है, तो मैं एक ही अलग सा वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर आ जाऊँगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना मेरे भाइयों। तो यहाँ पर देखते हो इस टाइप से हो जाएगा, देख सकते हो धीरे धीरे से आपको कर लेना होगा, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दीबाजी नहीं करना मेरे भाइयों, ठीक है। तो जहाँ जहाँ आपको स्मूथ करना है वहाँ कर लेना, हाथ में ज़्यादा नहीं करना स्मूथ। तो यहाँ पर हम जो सिस्टर वाला PNG ये तो अच्छा हो रहा है, ठीक है, कोई करने की जरूरत नहीं है, बस सब ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से चले जाना होगा। यहाँ पर आपको जाने के बाद आपको इम्पोर्ट मेजी में क्लिक कर देना होगा, और आपको यहाँ पर गैलरी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से एक यहाँ पर एक राखी वाला PNG है इस टाइप का, ठीक है। तो मैं इसको एडिट कर लेता हूँ, और इसको अपने हाथ में ऐसे लगा लेना होगा, आप देखते हो, ठीक है। सभी मटेरियल आपको मिल जाएंगे, आपको टेंशन लेने की ये नहीं है। और राइट में क्लिक कर देना होगा, आपको जूम कर लेना होगा। तो देखते हो यहाँ पर ज़्यादा पार्ट आ गया, तो इसको रिमूव करेंगे। रिमूव करने के लिए आपको यहाँ जाना है, यहाँ पर आप जिस जाओगे ना तो आपको लाइब्रेरी में क्लिक कर देना होगा, स्क्रॉल करके ऊपर आ जाना होगा। आ जाने के बाद आपके सामने इस टाइप के ब्रश देखने मिलेंगे। तो आपको इस वाले ब्रश में क्लिक कर देना होगा, इस वाले ब्रश में, ठीक है। ब्रश में क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग में क्लिक कर देना होगा, और सेटिंग को कुछ ही टाइप से रख लेना होगा, कट कर देना होगा, जूम कर लेना होगा, और ऐसे आपको क्रॉप कर लेना होगा, देखते हो, ठीक है। ऐसे आपको हटा लेना होगा, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी धीरे धीरे से। तो देखते हो इस टाइप से आपको लगा लेना होगा, ठीक है। लगाने के बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस फोटो को 3 डॉट में क्लिक कर देना होगा, शेयर आइकन में क्लिक करके, इस नीचे वाला आइकन में क्लिक करके फोटो को आपको सेंड कर देना होगा स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से मैं ले चलता हूँ फटाफट से स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर अपने फोटो को। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो फोटो था ना वो आ चुका है स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। इसके अंदर आ जाने के बाद आपको टूल्स में चले जाना होगा, और आपको यहाँ पर सेलेक्टिव में क्लिक कर देना होगा, और ऐसे सेलेक्ट कर लेना होगा, नेक्स्ट को इसको छोटा कर देना होगा, ब्राइटनेस को इसे बढ़ा लेना होगा, और 3 नंबर इसके माइनस कर लेना होगा, ठीक है। और इसको कंट्रास्ट को भी हल्का सा बढ़ा लेना होगा, फाइनल कर देना है ऐसे राइट में क्लिक। देखते हो यहाँ पर मैचिंग होना स्टार्ट हो गया, फिर से टूल्स में जाना है, सिलेक्टिव में क्लिक करके ऐसे कलर सेलेक्ट कर लेना होगा, इसको ऐसे बढ़ा लेना होगा, ब्राइटनेस को सर्चुअल को ऐसे माइनस कर देना होगा, ठीक है। और यहाँ से कर देना फाइनल राइट में क्लिक। फिर आपको टूल्स में जाना है, नीचे स्क्रॉल करना, और आपको पोर्ट्रेट में क्लिक कर देना होगा, ठीक है। पोर्ट्रेट में क्लिक करने के बाद आपको स्मूथ टूल सेलेक्ट कर लेना होगा, और इसको ऐसे बढ़ा लेना होगा, देखते हो इसको ऐसे बढ़ा लेना होगा, इसको रख लेना ऐसे 46+, और इसके नीचे वाले को 100, और जो इसके नीचे वाला है इसको आपको रख लेना होगा, यहाँ से 90 कर देना होगा, यहाँ से कर देना फाइनली राइट में क्लिक। तो देखते हो हमारा फोटो कुछ ही टाइप से हो जाएगा, देखते हो फोटो बहुत ही मस्त हो चुका है बिफोर एंड आफ्टर। तो फोटो एडिट हो गया, कंप्लीट हो चुका है, मैंने बताया दिया आप लोगों के लिए। फोटो को HD करने के लिए आपको रिमिनी एप्लीकेशन के अंदर ले जाके और इस फोटो को HD कर लेना, फोटो बहुत मस्त हो जाएगा। तो फोटो को डाउनलोड करने के लिए आपको ऊपर शेयर लाइकन में क्लिक कर देना होगा, और हमारा फोटो हो जाएगा गैलरी में सेव। तो आपको सभी PNG एंड बैकग्राउंड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप आसानी से सभी PNG एंड बैकग्राउंड को डाउनलोड कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी एडिटिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो मिलते हैं किसी कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।